हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबला ब्लॉग। सुबला ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं फिर से आ गई एक नई ब्लॉग एक नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में मैं फिर से एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो क्या है वो रेसिपी जानते हैं। तो आज का जो रेसिपी है वो है ये लाव पत्ता, जो वेस्ट बंगाल में इसको लाव कहते हैं और सभी टिंडा बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं। तो इसी का पत्ता का आज बनाएंगे हम लोग पकौड़ा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको काट के धो लेती हूँ और इसमें क्या क्या लगता है सारा इंग्रेडिएंट्स तैयार करती हूँ। तो लाव कद्दू का पत्ता, और इसके लिए मैंने यहाँ पे चावल भिगो के रखा है, अरवा चावल है, इसको मैंने भिगो के रखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये लाव का पत्ता को काट के धो लेती हूँ। तो मैं ये लाव के पत्ते को काट के अच्छी तरह से धो के पानी झाड़ के भी रख दिया है। और ये पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो लगेंगे वो है अरवा चावल, जो मैंने लगभग 2 घंटा पहले भी भिगो दिया था। और इसलिए मैं और पकौड़ा में मैं ऐड करूँगी, ये मैंने एक प्याज काट के रखा है और 2-4 लहसुन की गलियाँ, थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। तो पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये चावल को पीस लेती हूँ। तो मैं ये चावल पहले पीस लेती हूँ। देखिए पकौड़ा बनाने के लिए मैंने इसी में अदरक लहसुन और मिर्ची और अरवा चावल एक साथ में पेस्ट बना लेती। तो सबसे पहले मैंने ये पेस्ट बना लिया है, इसी में मैंने सारा कुछ डाल के एक साथ में पेस्ट बना लिया है। नमक और हल्दी, इसके साथ ही मैंने ऐड किया है थोड़ा सा बेसन और इसके साथ ही मैंने ऐड किया थोड़ा काला जीरा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो सारा कुछ डाल के मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो हम लोग का पकौड़ा बनाने का जो पत्ता और जो सारा इंग्रेडिएंट्स रखा था वो सबको हमने अच्छे तरह से मिक्स कर लिया। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए दे दिया है, कढ़ाई भी गर्म हो गया है। तो मैं अभी इसमें ऑयल दे दूंगी। तो ऑयल गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें छोटे छोटे आकार में दे दूंगी। एक तरफ करा करके सेक लिया, दूसरी तरफ हम वैसे ही करा करके सेक लेंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे अलग पलट के खा लेंगे। देखिए अच्छे हैं, वैसे ही फ्राई कर ले। तो फ्रेंड्स देखिए, लाव के पत्ते का या कद्दू के पत्ते भी बोल सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है और सही में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज की ये पकौड़ी का रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो फ्रेंड्स आज का ये कद्दू का पत्ते का पकौड़ा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई ब्लॉग एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।